हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम बैक इन योर इंग्लिश क्लास. स्टूडेंट, टुडे वी विल डू रिवीजन ऑफ हैज और हैव एंड पोजिशन वर्ड्स. आज हम हैज एंड हैव का एंड पोजिशन वर्ड्स का रिवीजन करेंगे, क्योंकि हैज एंड हैव का भी आपका टू डेज वर्क हुआ है एंड पोजिशन वर्ड्स मैंने अभी स्टार्ट किया है. तो अभी टू डेज हम सेम वर्क करेंगे हैज एंड हैव एंड पोजिशन वर्ड्स. सो एवरी स्टूडेंट टेक आउट योर कॉपी. दिस इज़ योर रिवीजन वर्कशीट. स्टूडेंट, ये आपकी रिवीजन वर्कशीट है. आप चाहें इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं. अगर आपको नहीं नोट डाउन करना तो इट्स ओके, आप इसे ओरली भी समझ सकते हैं जिन बच्चों को नहीं नोट डाउन करना. बट अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो इट इज़ गुड फॉर यू. क्लियर स्टूडेंट, दिस इज़ योर विश. नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्टली मेंशन द डेट. नोट डाउन नहीं करना आपकी विश है, लेकिन कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, आपको अच्छे से आना चाहिए. ये रिविजन वर्कशीट स्टूडेंट आपकी, क्योंकि आपके एग्जाम नियर हैं. ठीक है, स्टार्ट. व्हाट इज द डेट? 24th February 2021. क्लास वर्क. व्हाट इज द डे टुडे? Wednesday, WEDNESDAY, Wednesday. Revision worksheet. Fill in the blanks with has or have. Your first question is here. Fill in the blanks with has or have. यानी आपको fill-ups दिया है, आपको उसमें has और have, इन दोनों में से जो भी correct word है वो आपको अपने fill-ups में fill करना है. Clear student? आपको पता है वेयर वी यूज हैज. हैज कहाँ पर यूज करते हैं हम? ही, शी, इट वॉज सिंगुलर. नेमिंग वर्ड्स के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैज. ही, शी, इट वॉज सिंगुलर नेमिंग वर्ड. सिंगुलर नेमिंग वर्ड यानी किसी एक व्यक्ति का नाम, एक एनिमल का नेम, किसी एक जगह का नेम, तो हम क्या यूज करते हैं वहां पर? हैज. क्लियर बेटा? एंड हैव, वेयर वी यूज हैव. हैव कहाँ पर यूज़ करते हैं? आई के साथ. आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैव. वी यूज हैव विद आई. आई के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैव. वी. वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? हैव. यू. यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट? हैव. आई, यू, वी. एंड प्लुरल नेमिंग वर्ड के साथ हम क्या यूज़ करते हैं मेरे बच्चा? हैव. क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? हैव. ये आपको कंसेप्ट क्लियर है? अगर आपको ये चीज़ क्लियर है कि हम सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करते हैं एंड प्लुरल के साथ हैव यूज़ करते हैं एंड आई के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं? हैव, तो आपको ये फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. नाउ सी, देखिए अब आप कैसे. एंड स्टूडेंट यू गिव मी द आंसर. फर्स्ट सेंटेंस इज ही डैश अ बाईसाइकिल. ही डैश अ बाईसाइकिल. तो ही के साथ हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? हैज और हैव? हैज. क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हम ही, शी, इट के साथ हैज यूज करते हैं. वैसे भी ही क्या है? सिंगुलर है. वह एक व्यक्ति के बारे में कहें, ही हैज अ बाईसाइकिल. उसके पास एक साइकिल है या वह एक साइकिल रखता है. क्लियर? नेक्स्ट देखिए. यू डैश अ लवली हाउस. लवली हाउस मीन्स प्यारा घर. हाउस, लवली मीन्स प्यारा, हाउस मीन्स घर. यू, गिव मी द आंसर स्टूडेंट. यू के साथ व्हाट विल यू यूज? स्पीक एवरीबॉडी एंड फोकस ऑन योर स्टडी. यू के साथ वी यूज हैव. यू हैव अ लवली हाउस. यू हैव, एच ए वी ई, हैव अ लवली हाउस. क्लियर? And the third sentence is, I did dash a long tail. Long tail. It dash a long tail. उसकी लंबी पूंछ है. It. It के साथ हम क्या यूज करेंगे? Has. मैंने आपको बताया अभी, I told you, he, she, it के साथ हम क्या यूज करते हैं? Has. तो it के साथ क्या यूज करेंगे? Has. H-A-S. Has. फोर सेंटेंस देखिए मेरे बच्चा. आर आई वी रिया एंड टीना. रिया एंड टीना डैश मैनी डोल्स.
रिया एंड टीना, यानी रिया और टीना। तो हम एक व्यक्ति की बात तो कर नहीं रहे हैं यहाँ पर, हम टू गर्ल्स की बात कर रहे हैं, रिया एंड टीना, यानी हम प्लुरल की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा गर्ल्स की बात कर रहे हैं हम, ज़्यादा व्यक्ति की बात कर रहे हैं एक से, तो हम क्या यूज़ करेंगे? हैव। अगर मैं खाली रिया की बात करती, रिया डैश मैनी डॉल्स, तो फिर मैं क्या लिखती? रिया हैज़, क्योंकि मैं एक लड़की की बात करती रिया, लेकिन अभी मैंने खाली रिया की बात नहीं की, आई टॉक अबाउट टू गर्ल्स, रिया एंड टीना। रिया के बारे में बात किया एंड टीना, यानी दोनों दो गर्ल्स के बारे में बात किया, तो वी यूज हैव, एच ए वी ई हैव, रिया एंड टीना हैव मैनी डॉल्स। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, आई डैश अ पेट डॉग। आई के साथ व्हाट वी यूज? हैव। आई हैव अ पेट डॉग। आई के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं? हैव। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? वी यूज हैव विद आई, या आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? हैव। एवरीबॉडी स्पीक। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं स्टूडेंट? हैव। स्पेल्ड आउट हैव, एच ए वी ई हैव। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, एस डब्ल्यू एम ए सीमा डैश अ न्यू पेन। सीमा, सीमा क्या है स्टूडेंट्स? एक लड़की है, एक के बारे में हम बात कर रहे हैं। सीमा डैश अ न्यू पेन, सीमा के पास क्या है? एक नया पेन है। तो सीमा, सीमा सिंगुलर है, एक ही लड़की है, तो हम मैं क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? हम हैज, बट वी यूज हैज, एच ए एस हैज। एंड द सेवन सेंटेंस, वी डैश अ क्रिकेट बैट। वी के साथ हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? वी, यानी हम, हमारे पास एक क्रिकेट बैल है, क्रिकेट बैट है, क्या है सॉरी, क्रिकेट बैट है। तो वी के साथ हम क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? वी हैव, बट वी यूज हैव, क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? हैव, एच ए वी ई हैव, क्योंकि हम, हमारे पास, हम यानी प्लुरल की बात कर रहे हैं। इट इज क्लियर मेरे बच्चा? एनी डाउट? अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो प्लीज इन्फॉर्म मी, आप मुझे बताइए कि मैम मुझे ये सेंटेंस नहीं समझ में आ रहा, कॉल कीजिए, मैं आपको दोबारा सेंटेंस समझाऊंगी। लेकिन बच्चा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा, तो आप इस टेस्ट को नोट डाउन करेंगे और खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको हैज यूज करना है या हैव यूज करना है। ठीक है स्टूडेंट? ओके, नाउ वी विल मूव इन द नेक्स्ट पेज। देखिए, कल ही मैंने आपको बुक में, कॉपी से नहीं कराया था, बुक में कराया था पोजिशन वर्ड्स, कराया था ना स्टूडेंट? सबको रिमेम्बर है ना? सबने वो वीडियो देखा एंड बुक वर्क कंप्लीट किया? सब बच्चों ने बुक वर्क कंप्लीट किया स्टूडेंट? एवरी स्टूडेंट कंप्लीट योर वर्क? वेरी नाइस। तो हमने क्या रीड किया था स्टूडेंट कल? पोजिशन वर्ड्स। एनीबॉडी टेल मी पोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? क्या कोई मुझे बताएगा पोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? मैंने वीडियो में बताया था ना आपको पोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं, किसी बच्चे को पता है पोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? वेरी नाइस, आप सबको पता है, गुड। मैं बताती हूँ आपको पोजिशन वर्ड्स क्या होते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, पोजिशन वर्ड्स वो होते हैं जो हमें किसी नेमिंग वर्ड्स का क्या बताते हैं? प्लेस बताते हैं और उसकी पोजिशन बताते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पोजिशन वर्ड्स। यानी कोई चीज कहाँ पर है, वेयर, कोई चीज कहाँ पर रखी है, उसकी जगह क्या है, किस प्लेस पर है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ, तो मेरा लैपटॉप कहाँ पर रखा है? ऑन द टेबल। अब मैं कहाँ पर बैठी हूँ? ऑन द चेयर। तो पता चल रहा है ना आपको, तो वो क्या होते हैं? पोजिशन वर्ड्स। एंड इस चैप्टर में हमने 3 पोजिशन वर्ड्स के बारे में रीड किया था स्टूडेंट, पढ़ा था, इन, ऑन, एट। स्टूडेंट एग्जाम में भी आपको पिक्चर आएगी, पिक्चर्स देखकर आपको करेक्ट पोजिशन वर्ड्स फिल करना होगा। तो आई होप पिक्चर देखकर आप लोग इजीली फिल कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट? अब आप देखिए, फर्स्ट सेंटेंसेस, द एफ आर यू आई टी एस फ्रूट्स आर डैश द बास्केट। अब आप पिक्चर देखिए, पिक्चर में जो फ्रूट्स हैं वो किसके अंदर रखे हैं स्टूडेंट? बास्केट में, बास्केट के अंदर है ना। द फ्रूट्स आर इन द बास्केट।
द फ्रूट्स आर इन द बास्केट. तो यहाँ पर क्या आएगा, इन, यानी जो फ्रूट्स हैं वो बास्केट में हैं, बास्केट के अंदर हैं. क्लियर. सेकेंड सेंटेंस देखिए, अ LAMP लैम्प इज डैश द टेबल. अब आप लैम्प देखिए, लैम्प किसके ऊपर रखा है स्टूडेंट, टेबल के ऊपर रखा है. तो क्या लिखेंगे, ऊपर, यानी ओन. अ लैम्प इज ओन द टेबल, अ लैम्प इज ओन द टेबल. क्लियर स्टूडेंट. थर्ड सेंटेंस, द कैट इज सिटिंग द चेयर. पिक्चर देखिए, कैट कहाँ पर बैठी है स्टूडेंट, चेयर के ऊपर. तो ऊपर के लिए हम क्या यूज करेंगे, ओन. ऊपर के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओन. द कैट इज सिटिंग ऑन द चेयर, यानी जो कैट है वो चेयर पर बैठी हुई है. और फोर्थ सेंटेंस देखिए, द लाइब्रेरी ओपन्स डैश 6 o'clock. इसमें आपको पिक्चर से नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है स्टूडेंट, टाइम दिया गया है. और जहाँ पर टाइम होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, 88. द लाइब्रेरी ओपन्स एट 6 o'clock. इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पर टाइम दिया गया होगा, जैसे आपको 6 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock, एट नून, आफ्टरनून, एट मॉर्निंग, मतलब यहाँ पर अगर आपको टाइम दिया गया है तो वी यूज एट. ठीक है, ये आपकी एट की एक पहचान है कि आप कहाँ पर यूज़ करेंगे. अभी इतना ही है आपके फर्स्ट क्लास में. नेक्स्ट, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो आप इसका और डिटेल में भी पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, तो सिर्फ टाइम दिया गया होगा वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, एट. अगर इन और ऑन तो आप पिक्चर देख के भी समझ जाएंगे. जैसे आपको यहाँ पता चल रहा है फ्रूट्स कहाँ पर हैं, बास्केट के अंदर हैं. लैम्प किसके ऊपर रखा है, टेबल के ऊपर. कैट किसके ऊपर बैठी है, चेयर के ऊपर. क्लियर हो रहा है ना मेरे बच्चा. अब आपको टाइम में क्या यूज करना है, 88. नेक्स्ट सेंटेंसेस, देयर आर फ्लावर्स डैश द वेज. वेज यानी गुलदस्ता. अब देखिए फ्लावर्स कहाँ हैं, गुलदस्ते के अंदर हैं. ऊपर तो है नहीं, अंदर डाले हुए हैं, तो हम क्या लिखेंगे, इन. द देयर आर फ्लावर्स इन द वेज, यानी जो फ्लावर है वो गुलदस्ते में हैं. देखा ना आपने पिक्चर को, देखिए स्टूडेंट, सी, फ्लावर्स कहाँ पर हैं, वेज के अंदर हैं. तो क्या आएगा यहाँ पर, इन. देयर आर फ्लावर्स इन द वेज, वी ए एस ई, वेज यानी गुलदस्ता. जो आपके घर में भी फ्लावर पोट होता है ना, जहाँ फ्लावर पोट बोलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वेज, वी ए एस ई. आपने एक न्यू वर्ड भी सीखा स्टूडेंट. आप ना वर्ड्स को कैच किया करो, जैसे कोई नया वर्ड्स आता है आप उसे माइंड में सेट किया करो. जैसे आप बोलते हैं फ्लावर पोट, फ्लावर पोट को क्या बोलते हैं, वेस, वी ए एस ई, वेस. ठीक है, जितना आप अपना वोकैबुलरी इंक्रीज करेंगे उतना आपका फर्स्ट एंड सेकंड में हो जाएगा, माइंड में वर्ड सेट हो जाते हैं. चलिए नाउ कम टू द टॉपिक. तो एवरी स्टूडेंट नोट डाउन दिस वर्क. ज़्यादा वर्क नहीं दूंगी स्टूडेंट, यही वर्क आप कॉपी में कर लेना, नहीं मैं आपका टेस्ट भेजूंगी. यही आपकी रिवीजन वर्कशीट होगी, मैं आपको इसकी पिक विद आंसर सेंड कर दूंगी. एंड स्टूडेंट नोट डाउन द वर्क. लेकिन कुछ पेरेंट्स का है कि बच्चे ज़्यादा वर्क नोट डाउन नहीं करते, लेकिन स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, पेरेंट चाहे तो आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, आंसर बच्चा खुद ही फिल करने दीजिए ताकि उसे कंसेप्ट क्लियर हो जाए. अगर वो इसे नहीं नोट डाउन करेगा तो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो प्लीज़ आप रिवीजन वर्कशीट नोट डाउन करके दे दीजिए. एंड स्टूडेंट प्लीज बी ऑनेस्टली, आप उस पर आंसर फिल करेंगे पेरेंट्स की विदाउट हेल्प से. एंड यू सेंड मी द वर्क. जो बच्चा बहुत अच्छा वर्क सेंड करेगा मैं उसे फिर ना गुड दूंगी, स्टार दूंगी. ठीक है बेटा, आपको फोकस करना है स्टडी पे. ठीक है मेरे बच्चा, ओके बेटा, बाय बाय, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास.